अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मुंबई किचन डिलीशियस रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस अक्खा मसूर मसाला फ्राई दाल। तो चले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यह हमारा हाफ के जी अक्खा मसूर की दाल है और इसको अच्छे से हम वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में दो विसल लेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़े से कांदे ऐड करेंगे, हरी मिर्च, लहसुन और तेज़पत्ते को वॉश कर लेंगे, हल्दी थोड़ी सी और नमक अपने ज़रूरत के हिसाब से रखें। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद चले जल्दी से दो सीटी ले लेते हैं। तो चले जी यहाँ पे मैं दो मीडियम साइज़ के कांदा ली हूँ। ऑयल अपने अकॉर्डिंग रखें आप और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे हल्का सा कलर आए तक का। जैसे हमारे कलर आ जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे तेज़पत्ते। तेज़पत्तों को हम हमेशा वॉश करके डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... तो साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे दालचीनी। दालचीनी के टुकड़े को मैं डाल रही हूँ और इसमें कांदा फ्राई करूँगी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होए तक। यहाँ पे हमारा कांदा फ्राई हो गया है, बस ये स्टेज पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी साथ में हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसका स्मेल निकलने तक और जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इतना हम इसको फ्राई करेंगे। अगर से मसाला जल रहा है तो थोड़ा पानी भी ऐड कर दें, नहीं जल रहा तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही भूनते रहें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड करेंगे और इसके बाद में इसको भी हम फ्राई करेंगे अच्छा कलर आए तक का। यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच ड्राई रोस्ट हमारा गरम मसाला, ये भी होममेड है। अगर से आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह दे दूंगी, ये भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दूंगी। और ये साथ में हम डाल के उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। सारे मसाले रेडी होते हैं तो झटपट सब बन जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता, फटाफट बस भुनना रहता है, इसका कच्चापन निकालना रहता है। तो जितना अच्छा हम मसालों को भूनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा खाना बनेगा। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई करने में, हाई फ्लेम पे फटाफट बस भून लें। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली हूँ अपने टेस्ट अकॉर्डिंग जितना हमें तीखा खाना है और आप ये इतना ही रखें, इसको अच्छे से वॉश करके डालें। आप चाहे तो इसमें चीरा लगा लें, मैं तो ऐसे ही डाल दी हूँ। और मेरी वीडियो में हमेशा आप ये ध्यान दें कि मिर्च, नमक और ऑयल अपने अकॉर्डिंग रखें, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो जी यहाँ पे मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, धनिया, मिर्च, हल्दी, आप अपने अकॉर्डिंग डालें, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। और मैं इसमें ऑयल में इसको अच्छे से भीगने दूंगी मसालों को। और अगर से हमारा मसाला जल रहा है तो हम इसमें पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पे हम फ्राई करेंगे इसको अच्छे से इसका कलर आए तक। तो चले जी यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है हाई फ्लेम पे, ऑयल बाहर आ गया है। अब हम इसमें जो दाल को हमने प्रेशर कुकर में दो सीटी लिए थे अब इसको ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मसाले के अंदर हम एक मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको जितना डालना है, जितनी थिक रखनी है दाल को आप उसके अकॉर्डिंग रख लें। यहाँ पे हमारा दाल मसाला सब कुछ एक हो चुका है, बस ये स्टेज पे हम डालेंगे ये आमचूर का पाउडर और आधा चम्मच भर के इसको डालेंगे और सब जगह डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद में हम तीन मिनट तक इसको ढक के स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. यहाँ पे हमारा एकदम यम्मी सा दाल बन गया है और ये सारे मसाले एक जान हो चुके हैं
और इसके बाद हम डालेंगे आधा कप भर के कोथमीर, और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको हमारा फाइनल लुक अक्का मसूर मसाला फ्राई दाल का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फाइनल लुक है अक्का मसाला मसूर दाल फ्राई, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस ये बना हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी समझ में आई होगी। अगर से कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और इसे ज़रूर आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट भी करें कि कैसा बना हुआ है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।